मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें मैंने आपको प्रेशर रिलीफ वॉल के बारे में बताया था कि जैसे आपको पता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में रहने दो उसमें प्रेशर रिलीफ वॉल होना ही होना है, मतलब उसका प्रेजेंस वहाँ पे है। लेकिन अभी ये बात आती है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल की, ये क्या है, इसका ज़रूरत हर हाइड्रोलिक सिस्टम में है या नहीं है, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखना है। तो इसका नाम क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, मतलब रिड्यूसिंग मतलब क्या, आपका जो सिस्टम का प्रेशर है उसको क्या करना है वहाँ पे, वो जगह पे क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कंसीडर करिए एक मेरे दो एक्चुएटर्स है, एक एक्चुएटर है और एक दूसरा एक एक्चुएटर है। ये दोनों भी क्या होते हैं, एक ही पंप पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। ये पंप क्या करता है, 30 बार का प्रेशर डेवलप करता है। तो ये जो पंप है, ये पंप को 30 बार का प्रेशर लगता है, लेकिन ये जो पंप है इसको मुझे क्या लगता है, 10 बार का ही प्रेशर लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए अलग पंप परचेस करूँगा या अलग पंप पे इसको ऑपरेट करूँगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, इसका जो कनेक्शन है ये इसका मैं इसका कनेक्शन इसको दे दूंगा। लेकिन जब ऑयल इसके तरफ जब जाने वाला है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वॉल बिठाऊँगा जो जिसका इनलेट क्या होगा, 30 बार होगा, लेकिन उसका आउटलेट क्या होगा, 10 बार होगा। ये जो वॉल है, ये वॉल कौन सा है, आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है। तो सेम ये वॉल है कि जो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर रिड्यूस करके आपके सिस्टम को देता है। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक वॉल बॉडी है, यहाँ पे एक इनलेट है और यहाँ पे आउटलेट है, यहाँ पे एक कोनिकल पॉपेट है और ये जो है ये क्या है, आपका डायफ्राम है, एक डायफ्राम है। तो होता क्या है कि आप सिस्टम से कंसीडर करो, यहाँ से एक 30 बार का प्रेशर आ रहा है और आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 10 बार का प्रेशर चाहिए। तो आप क्या करते हो, ये एडजस्टिंग स्क्रू से क्या करते हो, ये जो कॉनिकल पॉपेट है इसको ऐसा एडजस्ट करते हो कि यहाँ पे क्या मिलना, आपको 10 बार का प्रेशर मिलना चाहिए। अब आपने एक बार यहाँ पे सेट किया तो क्या होगा, ऑयल कंटिन्यूसली यहाँ से रिड्यूस प्रेशर होके क्या होगा, आपकी सिस्टम को कंटिन्यूसली सप्लाई होगा। लेकिन कंसिडर करिए कि आपके सिस्टम में यहाँ पे ये जो आउटलेट है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम के ऊपर क्या हो जाता है, ये प्रेशर अप्लाई हो जाता है। प्रेशर अप्लाई होने के बाद क्या होता है, ये जो आपका कॉनिकल पॉपेट है वो क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है। लिफ्ट होने के कारण ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या हो जाती है, और कम हो जाती है और ऑयल का सप्लाई क्या हो जाता है, कम होता है। ऑयल का सप्लाई कम होने से वापस यहाँ का प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही प्रेशर नॉर्मल हो जाता है वापस से ये डायफ्राम क्या जाता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद आपका जो प्रेशर है वापस, जो सेट प्रेशर है उससे क्या हो जाता है, ऑयल का सप्लाई कंटिन्यूसली चालू रहता है। ऐसा ये क्या था, आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल था। इसका भी सिंबल बनाते हैं। सिंबल कैसा है कि ये जो वॉल बॉडी है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे आउटलेट है। तो ये आपका इनलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन मैंने किस लिए बनाई, ये जो वापस प्रेशर आता है और इसको एडजस्ट करता है, इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई। आपका फ्लो कहाँ से कहाँ है, मतलब यहाँ से ऊपर है, तो ये एरो हुआ, ये एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग स्प्रिंग और ये उसका एडजस्टिंग है, इसलिए वो एरो। ये आपके प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है। आपका जो प्रेशर रिलीफ वॉल था उसका सिंबल कैसे था, ऐसा था, मतलब ये जो एरो है आपका वो क्या था, ऑफ लेफ्ट साइड में था, वो कनेक्टेड है क्या, जैसे ये क्या है, कंटिन्यूसली इनलेट से आउटलेट में कनेक्टेड है, क्योंकि आपका सप्लाई कंटिन्यूसली ऑन रहता है। लेकिन प्रेशर रिलीफ वॉल में क्या होता है, जब प्रेशर एक्सेस होता है तभी वो ऑन होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पीआरवी मतलब प्रेशर रिलीफ वॉल और आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो।